इसको सब हाथ से बनाया गया कि मेरा जो गाड़ी है जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है। दोस्तों अभी तो मैं जा रहा हूँ पहले बेटे का स्कूल, उससे पहले ना दिखा देता हूँ। हमारा घर में हर साल ना सरस्वती पूजा होता है, तो एक साल किसी कारणवश कर नहीं पाया तो ये बनाया पैंडल। देखिए पैंडल दिखा देता हूँ, इसमें मेरा बेटा और मोहल्ले का एक दो बच्चे करेंगे एक साथ मिल के। ये रहा वो पैंडल, देखिए इसको सब हाथ से बनाया गया, ऊपर पेपर वगैरह लगाया और ये बीच में यहाँ बैठेगा सरस्वती भगवान। जो मूर्ति है सरस्वती जी का मूर्ति जो है यहाँ बैठेगा। कैसा हुआ बेटा? अच्छा। कैसा हुआ पैंडल? अच्छा। अच्छा ना, यहाँ पे पूजा करोगे आप? हाँ हाँ। दोस्तों हमारे घर में कल हो रहा है सरस्वती पूजा, यानी कि जो विद्या का देवी है उनका पूजा होगा। मेरा बेटा करेगा, मोहल्ले का दो चार बच्चे लोग भी करेगा। तो हमारे घर में हर साल पूजा होता है, मेरा बेटा आने के बाद से घर में ही कर रहा हूँ मैं। तो बीच में ना एक साल मिस हो गया, किसी कारणवश हम लोग कर नहीं पाया वो पूजा। जो भी हो तो कल होगा, कल कोशिश करेगा आप लोग को दिखाने के लिए। और मैं ब्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि मेरा जो गाड़ी है जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है, वो जो गाड़ी है ना उसका जो बॉडी है नीचे से चैसिस जो है फट गया, तो उसको बनाएगा। तो बाहर गैरेज वालों से पता किया तो उसका खर्चा ना बहुत मांग रहा है, उसको बनाने का जो खर्चा है बहुत महंगा आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए ना मैं खुद बनाऊँगा इस गाड़ी को। और मेरा पीछे का ये देखिए हाथ अंदर बाहर हो रहा है, तो यहाँ ना प्लास्टिक का शीशे जैसा था, ट्रांसफरेबल प्लास्टिक था, तो यहाँ पीछे जो है यहाँ शीशा लगा दूंगा। तो ये सब मैं खुद करूँगा। तो ये करने के लिए ना जो सामान वगैरह है वो तो मेरे पास है नहीं, तो कोशिश कर रहा हूँ उसको जुगाड़ करने की। और गाड़ी जो है मैं खुद ही बनाऊँगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे बनाने में, क्योंकि ये सब जुगाड़ करने के बाद गाड़ी को मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। और पीछे का कोशिश करेगा, इसमें पहले प्लास्टिक लगा हुआ था, अभी इसमें शीशा डालेगा, इसमें शीशा लगा देगा। और गाड़ी का जो इनसाइड का जो डेकोरेशन है ना, जो सीट वगैरह है, ऊपर का जो ये है देखिए, ये अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही है, इसको ना पूरा ढक देगा, एक्स्ट्रा स्लिंग यानी कि एक्स्ट्रा कवर चढ़ाएगा छत पे। और जो सीट है इसका गेटअप भी थोड़ा चेंज करेगा, और आगे का सीट भी थोड़ा चेंज करेगा, उसका गेटअप भी चेंज करेगा। तो कोशिश कर रहा है, हर एक चीज़ मैं खुद करूँगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे ये सब काम करने का आदत नहीं है। और कोई भी काम हो ना, जो गाड़ी से रिलेटेड हो या सिलाई वगैरह का काम हो, ये सब मैं खुद ही करता हूँ। तो कोशिश करेगा इसको भी बनाने के, तो अगर बन जाए तो मेरे से अच्छी बात है, कोशिश तो मैं खुद ही करूँगा, अगर बन गया तो अच्छी बात है। किसी कारणवश अगर नहीं बना तो मैं इसको मिस्त्री के पास लेके जाऊँगा। मिस्त्री के पास ले जाके ना इसको अच्छा से, अगर मुझसे नहीं बन पाया तब, अगर मुझसे बन पाया तो मैं खुद बनाऊँगा, अगर नहीं हो पाया तब मैं मिस्त्री के पास ले जाके इसको अच्छा से बनाऊँगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैं खुद बनाऊँगा, तो इसमें ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा बेटे का जो स्कूल है वो छुट्टी हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 10-15 दिन का छुट्टी मिलेगा उसे, तो इस बीच गाड़ी को बनाऊँगा मैं। तो इसी दौरान क्या करूँगा, वो जो गाड़ी का छोटा छोटा चीज़ लगने वाला है गाड़ी में, पाइप रॉड वगैरह, और जो किराए में लाएगा वेल्डिंग वगैरह का जो मशीन है ये किराए में लाएगा, उसको ला के अच्छा से गाड़ी को बनाएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा दोस्तों। तो इसी जुगाड़ में लगा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ तो टाइमली आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी हो, कल मेरे घर में सरस्वती पूजा है, कल 14 तारीख है, आज 13 तारीख है, तो कल पूजा होगा, कोशिश करूँगा पूजा भी दिखाने के लिए। और जो गाड़ी का काम है जितना होगा धीरे धीरे मैं उतना दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही दोस्तों।